हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कश्मीर की एक बहुत ही फेमस डिश शेयर कर रही हूँ जी, चिकन कांति। इसे घर पे बनाना बहुत इजी है, बहुत टेस्टी बनती है। तो चलिए फिर बनाते हैं इस मज़ेदार टेस्टी टेस्टी रेसिपी को। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया है और ये मैंने थाई पीसीस लिए हुए हैं। तो आप बोनलेस भी सारा चिकन ले सकते हैं या विद बोन्स भी आप ले सकते हैं। तो पहले हम इसे मैरिनेट करके रखेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे इसमें मैं ऐड करूँगी जी नमक। तो ये डाल दिया जी हमने आधा चम्मच नमक का। इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे थोड़ी सी हल्दी को, ये भी मैं आधा चम्मच से कम ही ऐड कर रही हूँ। इसमें मैं दो तरह की लाल मिर्च ऐड करूँगी, ये कलर वाली और तीखी वाली। साथ में गरम मसाला और थोड़ा सा जिंजर पाउडर, और इसके साथ ही थोड़ी सी काली मिर्च भी आप ऐड कर दें। और अब हम इसमें दो चम्मच भर के विनेगर के ऐड करेंगे। आपके पास विनेगर ना हो तो आप नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। तो ये दो चम्मच हमने डाल दिए जी विनेगर के, और इसके साथ ही अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे। और ये हम दो तीन चम्मच इसमें दही के ऐड कर देंगे। और ये देखें, ये मैंने इसमें दही भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और ये देखिए, हमने अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है। अब इसे हम कवर करके एक घंटे तक रख देंगे। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। और सेम प्रोसेस से देखिए, यहाँ पे प्याज को भी हम मैरिनेट करके रखेंगे। ये हमने ऐसे प्याज काट लिया, इसके साथ ही टमाटर ऐसे गोल गोल काट लिए हैं लंबे लंबे। इसके साथ ही हम दो तीन हरी मिर्च ऐसे काट देंगे, स्लिट करके डाल दें। थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी लाल मिर्च भी इसके साथ ऐड कर देंगे। और ये गई जी लाल मिर्च भी। और अब हम इसे भी अच्छे से, पहले थोड़ी सी इसमें मैं कसूरी मेथी भी ऐड कर रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, हल्की सी ऐड करेंगे। और इसे भी हम अच्छे से मिक्स करके रख देंगे। और ये देखिए, ये भी रेडी हो गया। इसे भी अब हम कवर करके अराउंड एक घंटे तक रख देंगे। तो यहाँ पे एक घंटा हो चुका है, चिकन भी अच्छे से मैरिनेट हो चुका है और जो प्याज और टमाटर वगैरह हमने मिक्स किए थे वो भी हो गए अच्छे से सॉफ्ट, और बहुत अच्छे से ये सॉफ्ट हो चुके हैं। आपके पास ज़्यादा टाइम हो तो आप ज़्यादा टाइम के लिए भी रख सकते हैं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आप चाहे तो चिकन के एक पीस उठा के इसे डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मैं सारा चिकन डाल दूँगी इसमें। और इसे हम बहुत ही लो फ्लेम पे पकाएंगे। अच्छे से हम इसे पकाना है जब तक इसका सारा ऑयल वगैरह रिलीज हो जाएगा। और इसमें मैं जीरा ऐड कर रही हूँ एक डेढ़ चम्मच। इसे ऐसे क्रश करके हाथों से डाल दें और इसका फ्लेवर इसमें बहुत अच्छा आता है। तो बाकी तो हमने सारा कुछ इसमें ऐड कर दिया हुआ है, और अब हम इसे कवर करके थोड़ी देर पका लेंगे। और अब हम इसे खोल लेते हैं। और ये देखें, चिकन में से सारा पानी रिलीज हो चुका है। और अब हम इसे थोड़ी देर हाई फ्लेम पे पकाएंगे। और ये सारा पानी जितना भी नज़र आ रहा है सब ये ड्राई होना चाहिए। और बस ये देखें, थोड़ा इसे ऐसे हम पका लेते हैं पहले। और जैसे जैसे ये पकता जाएगा वैसे भी इसका कलर चेंज हो जाएगा। और ये देखें, चिकन हमारा एकदम पक चुका है, ऑयल भी एकदम रिलीज हो चुका है अच्छे से, और कलर भी एकदम परफेक्ट आ चुके हैं। और क्योंकि हमने इसमें जो एक कलर वाली मिर्च ऐड की थी और उसे कलर बहुत अच्छा आता है, अगर आप चाहे तो फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गर्मी में बना रहे हैं तो फूड कलर डालने की ज़रूरत नहीं है। तो चिकन तो हमारा पक गया, दूसरी साइड हम प्याज को भी पका लेते हैं थोड़ा सा। और इसमें मैंने जिंजर गार्लिक डाल दिया है। इसके साथ ही अब हम प्याज टमाटर जो हमने मैरिनेट करके रखे थे वो भी हम इसमें डाल देते हैं। और ये गए जी टमाटर प्याज भी इसमें। और अब हम इसे भी पहले थोड़ी देर पका लेते हैं। हमें इसे ज़्यादा नहीं पकाना, बस सॉफ्ट करना है। और अब हम इसमें एक चम्मच भर के विनेगर का ऐड कर देते हैं। और ये गया विनेगर,
अब इसे मिक्स कर लेते हैं थोड़ा सा और प्याज भी हमारा अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसे चिकन में डाल देते हैं और ये गया जी चिकन में और अब हम इसे थोड़ी देर पका लेते हैं। और थोड़ी देर हम इसे कवर करके पका लेते हैं और ये देखिए जी हमारा मज़ेदार चिकन कांदी एकदम रेडी हो गया जी खाने के लिए। बहुत ही टेस्टी बनता है ये और चिकन भी हमारा पक चुका है अच्छे से और प्याज भी देखें। बस लास्ट में इसके ऊपर हम ऐड करेंगे जी धनिया को और ये हमारा मज़ेदार टेस्टी चिकन कांदी एकदम रेडी हो गया। तो ये हमने डाल दिया जी इसमें धनिया को और धनिया डालने के बाद इसे हम थोड़ी देर कवर कर देंगे और धनिया का फ्लेवर सारा ऐसे आ जाता है। तो ये देखें थोड़ी देर बाद इसे हम खोल लेते हैं और करते हैं अब हम इसे डिश आउट और ये हमारा मज़ेदार चिकन कांदी एकदम रेडी हो गया जी खाने के लिए। एक्चुअली इसे मुगलाई डिश भी बोला जाता है। चिकन कांती कश्मीर में बहुत फेमस है और इसे बनाना भी बहुत इजी है। तो आप इसे रोटी के साथ नान के साथ जैसे खाना चाहें आप इसे खा सकते हैं। बनाने में बहुत इजी है, बनती बहुत टेस्टी है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करना। मिलती हूँ मैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और कमेंट करके मुझे बताना आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।